इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि Realme मोबाइल फ़ोन में स्मूथ स्क्रॉलिंग फीचर क्या होता है और आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको चले जाना होगा अपने Realme मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको फ्रेंड्स बिल्कुल नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा Realme लैब का, तो आपको इस पर टच करना है और उसके बाद आपको यहाँ स्मूथ स्क्रॉलिंग का फीचर मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करके इस सेटिंग को इनेबल कर देना है। तो दोस्तों ये सेटिंग हो जाएगा इनेबल, और दोस्तों इस सेटिंग को इनेबल होने से क्या होगा ये मैं अब आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब जब हम अपने स्क्रीन को ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो है थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है स्क्रॉलिंग बिल्कुल स्मूथ होगा। जबकि दोस्तों अगर आप उस सेटिंग को डिसेबल रखते हैं तो फ्रेंड्स इतना तेज जो है स्क्रीन ऊपर से नीचे या फिर नीचे की ओर स्क्रॉल नहीं होगा जितना तेज की उस सेटिंग को इनेबल रखने के बाद होता है। जैसे देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्लिक करके सेटिंग को डिसेबल कर देते हैं, और फ्रेंड्स आप देखिए जब हम ऊपर स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो है उतना तेज़ी से स्क्रॉल नहीं होता है जितना तेज़ी से उस सेटिंग को इनेबल रखने के बाद होता है। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रॉलिंग जो है बहुत फास्ट हो यानी कि स्मूथली हो, तो आपको जो है इस सेटिंग को इनेबल करके रखना है, तो उसके बाद जो है आपका स्क्रॉलिंग काफी स्मूथ होगा और जल्दी होगा। तो इस तरीके से आप Realme मोबाइल फ़ोन के स्मूथ स्क्रॉलिंग फीचर का यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।